नमस्कार दोस्तों, इजी लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक व्हीकल को स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के थ्रू बेचना कितना सही है और उसमें क्या रिस्क रहते हैं। दोस्तों, जब भी आपको कोई व्हीकल परचेज करना होता है, कानून की नज़र में जो है ना, आपको उसकी RC आपके नाम करवानी पड़ती है, और RC नाम करवाने के बाद जो है उसका इंश्योरेंस आपके नाम कटवाना पड़ता है। तो दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्हीकल को बेच देते हैं, तो वो उसको जो है सरकार के रिकॉर्ड में, RTO के रिकॉर्ड में उसका नाम पलटवाते नहीं है, और उसको जो है एफिडेविट पे जो है लिख के दे देते हैं कि भाई ये व्हीकल जो है मैंने इसको बेच दिया है उसको, और उसके बाद प्रूफ के तौर पे जो है ना वो एक फोटोकॉपी उसकी अपने साथ रख लेते हैं, नोटरी के रजिस्टर में चढ़वा के उसको जो है अटेस्ट करवा लेते हैं, और उसको मान लेते हैं कि भाई ये व्हीकल जो है आज से मेरा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा लोग क्यों करते हैं? पहली बात कि भाई कम्फर्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप RTO ऑफिस में कोई व्हीकल जो है दूसरे के नाम उतरवाने जाते हैं, तो उसके लिए एक डिटेल प्रोसीजर है। आपको जो है ना स्पेसिफिक फार्म होते हैं, वो भर के देने होते हैं। ओनर और जो परचेजर है उसके एफिडेविट लगते हैं सेल परचेज के। उसके बाद जो है दोनों की ID और एक डिटेल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर के फॉलो करने में जो है ना टाइम भी कंज्यूम होता है। तो लोग जो है अपना आराम देखते हैं और एक एफिडेविट खरीद लेते हैं 10, 100, 20, और उस एफिडेविट पर लिखवा लेते हैं कि भाई मैंने यह व्हीकल इस बंदे को दे दिया है, और मैंने यह परचेज इसके बाद इसकी जिम्मेवारी होगी, ऐसे करके जो है ना उसको नोटरी को चढ़वा लेते हैं। उसके बाद दूसरा कारण जो है पैसे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कानूनी तौर पे एक व्हीकल जो है दूसरे के नाम करवाओगे तो उसमें जो है खर्चा लगता है, और उस खर्चे से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, 100 रुपये का एफिडेविट ले लेते हैं। तो ऐसे में जब किसी व्हीकल को सिर्फ एफिडेविट पे जो है अपने नाम करवा लेती है जनता, या आप एफिडेविट पे बेच देते हो उसको, तो उसमें क्या रिस्क है? अगर आप एक व्हीकल को एफिडेविट पे बेच देते हो तो RTO ऑफिस में आपका नाम जो है दर्ज रहता है बतौर मालिक, और जब तक वहाँ पे आपका नाम जो है मालिक के रूप में दर्ज है, तब तक जो है कानून की नज़र में आप ही मालिक हो। और उस व्हीकल से अगर कोई क्राइम हो जाता है, या मान लीजिए वो व्हीकल जो है किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्मगलिंग का केस है, या फिर मान लीजिए उस व्हीकल की इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, कोई अबडक्शन, कोई किडनेपिंग, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो है पुलिस ढूंढेगी व्हीकल के ओनर को। कैसे? वो जाएंगे RTO ऑफिस, वहाँ जाते ही पता चलेगा कि भाई फलां पर्सन जो है वो इस व्हीकल का ओनर है, और जो क्रिमिनल है वो एक पार्ट में भाग भी जाएंगे गाड़ी छोड़ के, तो सबसे पहले पुलिस आपको उठाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है थानों में और कोर्ट में धक्के खा रहे होते हैं, जो सिर्फ अपने कुछ कम्फर्ट और पैसों के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क मोल लेते हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि भाई एक व्हीकल को जो है ना सामने वाले जो परचेजर है उसके नाम क्यों करवा देना चाहिए, कि भाई मान लीजिए आपने, आपके नाम थी गाड़ी, वो आपने बेच दी, परचेजर के नाम वो आपने करवाई नहीं, आपने एफिडेविट पे जो है ना उससे लिखत ले ली कि भाई आज से ये जो है उसकी हुई। तो ऐसे में क्या होगा कि बेशक आपके पास पोजेशन का प्रूफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट ऐसी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि भाई जो सरकारी रिकॉर्ड में जो मालिक है, तो MACT केस में वही मालिक की तरह देखा जाएगा। MACT केस क्या होते हैं? जो मोटर एक्सीडेंट के क्लेम केसेस होते हैं, उन केसेस में जो एक्सीडेंट में कोई भी दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती है, या कोई चोट लगने के कारण जो है वो चोटिल हो जाता है, तो ऐसे में वो लोग जो है कंपनसेशन के लिए केस फाइल करते हैं, और उस केस में गाड़ी के मालिक को जो है पार्टी बनाया जाता है। तो जब तक आपका नाम जो ये RTO है वहाँ पे, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे आपका नाम रहेगा, तब तक जो है आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि भाई बंदे को गाड़ी बेचे हुए हो गए 7 साल, लेकिन सामने वाला बंदा जो है बिना इंश्योरेंस उसको चला रहा है। तो अब क्या हुआ कि भाई MACT केस में क्लेम कंपनसेशन जो है ना पास हो गई 1,00,000 रुपये में, जो करोड़ों तक हो सकती है, तो वो करोड़ों रुपए जो है या वो 1,00,000 रुपये जो है ड्राइवर और ओनर या जिसके पोजेशन में वो है, उन सबको जॉइंटली जो है कोर्ट पार्टी बना के लायबल
करार दे देता है कि भाई ये सब लोग ही जो है कंपनसेशन देंगे एप्लीकांट को। तो दोस्तों आपने जाना कि भाई जब तक आप सरकारी रिकॉर्ड में वो व्हीकल सामने वाले बंदे के नाम नहीं कराते हो तो उसमें क्या रिस्क रहेगा। तो आप थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ के अपने जो कानून है उसको जरूर फॉलो करें। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।